3, 2, 1. Alright, hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you're having an amazing day because right now I'm having an amazing and awesome day. So finally, आज जाके हमारा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप हो चुका है. जैसा कि आप इधर देख सकते हो, ये है मेरा SMK का हेलमेट और इसमें मैंने मीडिया मॉड लगा लिया है, जैसा कि आप इधर देख सकते हो. सो या मैंने कैसे तो कैसे करके इसके अंदर माइक घुसा दिया है, बट इट्स अ वेरी अनटाइडी सेटअप. एंड अंदर का सेटअप आप देख सकते हो, ऐसा मैंने चिपका के इधर घुसा के फाइनली मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप तैयार हो चुका है. सो ऑलराइट गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं BMW 310 RR के लॉन्च इवेंट में, और ये BMW की एकदम लेटेस्ट नई बाइक है 310 सेगमेंट में. और जिस किसी को पता नहीं, मेरे पास भी BMW 310 GS है और मैं BMW 310 GS मुंबई के ग्रुप में बिलोंग करता हूँ. तो हम सब लोग को इनविटेशन आया है कि BMW 310 RR के लॉन्च इवेंट में आई है, और मैं सोचा कि वाई नॉट ब्लॉग दिस इवेंट. और अभी हमको पहुँचना है 6 बजे और अभी बज रहे हैं 5:09. तो अभी हम लोग हो चुके हैं लेट, तो फटाफट चेंज करके मिलते हैं. ऑलराइट, मैं अभी तैयार हो चुका हूँ, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बारिश बहुत ही दूर से हो रही है, जिसके वजह से मैं अपना मीडिया मॉड या मैं अपना माइक टेस्ट नहीं कर पाऊंगा. तो ये अभी हमको बहुत ही लेट हो चुका है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं BMW 310 RR के लॉन्च. बजे का इवेंट है और 5:43 को अभी हम लोग घर के नीचे 20 मिनट में तो कुर्ला पहुंच ही नहीं पाएंगे. 1 घंटा लगेगा गूगल मैप के जैसा बता रहा है. लेट्स सी. घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही ट्रैफिक ही मिल जाता है. अरे भाई हम भी तो ट्रैफिक में है. आई नो, बट इतनी क्या भाई. तो ऑलराइट गाइस, ट्रैफिक कुर्ला की और कुर्ला के ट्रैफिक में हम अटक चुके हैं. अब इतनी थोड़ी सी जगह से हमारी गाड़ी जाएगी नहीं, बस इधर तक जाना है. बट ट्रैफिक देखो 6 मिनट का. अभी हमारी पल्सर तो नहीं है ना, जो हम कट फुट मार के. सो ऑलराइट गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं BMW शोरूम, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो. इतनी सारी BMW की गाड़ियाँ, एंड ये नया शोरूम है BMW का. एंड अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं BMW शोरूम के. गाइस, अभी हम लोग हैं अंदर और BMW मोटरहेड वालों ने बर्गर से स्वागत किया है हमारा. एंड एक और एक जन मिल गए हैं, BMW राइडर. हेलो, हाउ आर यू मैन? फाइन. सो मेरे पास 310 GS है, इसके पास 310 RR है. तो या अभी 310 RR भी आ गई है. सो आर यू एक्साइटेड? यस, ऑफ कोर्स. प्लानिंग टू बाय इट. वी बोथ आर प्लानिंग टू बाय इट. श्योरली मैन. सो अभी जस्ट वेटिंग फॉर हिज बर्गर. ऑब्वियसली फ्री का खाएंगे ना. 3, 2, 1. As you can see, दो कलर्स में आया है. दिस वन इज द ब्लैक कलर, एंड आई एम थिंकिंग ब्लैक इज वन ऑफ द बेस्ट कलर जो बाइक का मस्त लग रहा है. This 310 RR looks amazing. The TFT display is the one which I'm admiring right now. This one is a white variant. कौन सा अच्छा लग रहा है आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज ब्लैक वाला मेरे को ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, एंड वाइट वन इज़ ऑल्सो लुकिंग डोप. सो रोड पे सिटी में जब आप चलाओगे बाइक को कैसी लगेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड या डेफिनेटली दिस बाइक विल कैच बहुत ज़्यादा अटेंशन, क्योंकि यार BMW की बाइक है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ब्रो, मुझे बता, 310 RR और 310 RR कौन सी बेस्ट है? आई थिंक मैंने अगर पैसे लगाए तो मेरी बाइक ही बेस्ट है यहाँ. ओके. बट टॉकिंग सीरियसली ओवर हियर, आई थिंक सो आर इज़ अ
different league altogether, I think so. Yeah. It's based and it's made for track basically. Yeah, definitely. And also for the people who ride in the city. Yeah. Because I think so, ये bike आता है modes के साथ. Correct. And which is not available in R. R bike. So वो ही. Yeah. That's one of the feature which I want in my bike. Actually, जो भी modes हैं हमारे हाथ के अंदर. हाथ के modes में. Yes. Best feature क्या लगा 310 RR में? Of course, best feature is the TFT that I would be missing in my R. Okay. अगर वो लोग थोड़ा एडजस्टेबल देते तो आई थिंक सो मैं खरीद के बाहर से लगा लेता लगा TFT माइन इज द TFT एंड राइडिंग ऑफ कोर्स एंड आई थिंक सो द बेस्ट थिंग व्हिच आई सॉ इन द बाइक वाज दैट LED गाइस दैट LED जस्ट टुक माय हार्ट तो यहां पे हम लोग अभी प्राइस और एक को फिर और सामने हमारे 310 RR शूट कर रही है तो जैसा कि आप देख सकते हैं दिस वन इज द स्पोर्ट्स मोड जो 310 RR में है एंड डेफिनेटली अभी मैं मोड चेंज कर रहा हूँ दिस वन इज़ द ट्रैक मोड तो ऐसा इंटरफेस है दिस वन इज़ नॉर्मल सिटी वाला अर्बन इंटरफेस एंड दिस वन इज़ रेन इंटरफेस सो जैसे ही इंटरफेस चेंज होते हैं इधर का डिस्प्ले फुल चेंज हो जाता है सो सब चीज़ अच्छी दी गई है तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ मेरी 310 GS में मिसिंग थी जो BMW ने ये सेगमेंट में भी लेके आ गया है तो BMW में मतलब लग रहा है अभी थोड़े टाइम में और अच्छा TFT डिस्प्ले आ जाएगा 310 GS के लिए अगर आप कभी मोटो ब्लॉग करोगे 310 RR में तो ऐसा इंटरफेस आने वाला है ओके दैट्स द टाइट मोड ओके सो हाउ कूल इज दिस मैन आई नो सब बोलेंगे TVS 310 RR की कॉपी है बट इट्स नॉट हजार्ड लाइट ऑन किया और अगर मैं गाड़ी को ऑफ भी करूं तो भी हजार्ड लाइट ऑन ही रहेगा या मतलब गाड़ी ऑफ होने के बाद ऑन ऑफ ही होता हजार्ड लाइट जैसे बटन दबाना पड़ेगा तो भी नहीं हो रहा ऑफ जैसे कि आप देख सकते हो मुझे गाड़ी फिर से ऑन करना पड़ेगा एंड मेरे को दबाना पड़ेगा आई थिंक सो आई डोंट नो अभी बंद हुआ है देन अब भी जाके बंद होगा सो या जितना भी मैंने रिव्यू लिया सबसे यहाँ पे सबको सिर्फ ये तीन फीचर बहुत अच्छा लगा एक तो यार मोड्स दे दिया है बाइक में सेकेंडली द TFT डिस्प्ले वो बहुत ही मस्त है और सेकेंड हजार्ड लाइट एंड जो टायर अगर दिया है वो बहुत ही मस्त मिले BMW 310 GS में और GS एंड G310 RR में सो दीज आर द थिंग्स हम लोग मॉडिफिकेशन करके ऐड कर रहे हैं हमारे BMW में या नॉट द TFT डिस्प्ले एंड टॉयलेट के अभी हम लोग निकल रहे हैं राइट नाउ इट्स 847 या बाइक भी हम लोग ने देख चुके हैं BMW 310 RR इज जस्ट फिनोमिनल राइट नाउ मतलब दिल आ गया मेरा तो जैसा कि हम तो देख सकते हैं फुल 310 R 310 GS एंड ऑब्वियसली दिस इज माय फेवरेट सारी बाइक है चल थैंक्स ब्रो तो ऑर्डर के अभी हम लोग ऐसे निकल रहे हैं इवेंट इज स्टिल ऑन सो या तो हमारा तो काम हो चुका है वीडियो बन चुका है ब्लॉग बन चुका है रील बन चुका है और अगर आपको रील देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं लिखा आ जाएगा @netshow तो सीवी ब्लॉग को इतना ही रखते हैं अगर आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मैं आता रुका एक मजेदार वीडियो के साथ टेक एक फ्री एडवाइस लेके निकल लो